बहराइच हिंसा मामले में अभी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। बहराइच हिंसा से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंसा के आरोपियों के जो घर हैं उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इससे संबंधित नोटिस जस्पा कर दिया गया है, यानी जो अतिक्रमण है उसे ढाह दिया जाएगा। बहराइच हिंसा से जुड़ी अभी की बड़ी खबर, अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी में प्रशासन। हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और उसी से संबंधित नोटिस जो चिपकाया गया है आप देख सकते हैं, उसकी ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तो बहराइच हिंसा मामले में पुलिस और प्रशासन का बहुत ही सख्त रुख अब नजर आ रहा है। और अभी की ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट, ये देखिए जब नोटिस चिपकाया गया उस दौरान की तस्वीर। हमारे साथ विवेक राय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो विवेक, कुल मिलाकर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। और अभी थोड़ी देर पहले जो पीडब्ल्यूडी की जो टीम थी वो इस मौके पर आई थी और यहाँ पर लगभग 20 से अधिक मकानों पर जो नोटिस है वो चस्पा किए गए। इसमें दोनों समुदाय के लोग हैं और उनके जो नोटिस चस्पा किया गया उसमें ये बात लिखी गई है, जो ये चूंकि जो क्षेत्र है वो प्रमुख जिला मार्ग पर रूरल एरिया का मार्ग है और ये इसका जो नियम है उसमें अगर मध्य बिंदु, जो मार्ग का मध्य बिंदु यानी कि बीच का पॉइंट है, वहां से अगर 60 फुट की दूरी के अंदर इस तरीके का कोई काम हुआ है तो उसके लिए विभागीय अनुमति की जरूरत है। और अगर एक बात बताइए कि इस मामले के हत्याकांड के जो आरोपी है सिर्फ उन्हीं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी है या जो भी लोग हिंसा में सम्मिलित थे चाहे किसी भी समुदाय के हों उनके खिलाफ होगा एक्शन? देखिए, जो लोग हिंसा में शामिल थे उनके खिलाफ तो आइए, इस पूरी मार्केट में लगभग 20 से अधिक लोगों के खिलाफ ये चीजें लिखी गई हैं, उसमें कई लोग ऐसे थे जो हिंसा में शामिल थे। हिंसा हुई थी वहाँ बहराइच प्रशासन द्वारा कार्रवाइयों का दौर जारी है, जो लोग हिंसा में शामिल थे उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जिसने रामगोपाल मिश्रा की हत्या में जो लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसने कुछ घरों पर नोटिस भी चस्पा किए। मैं आपको दिखाऊँ, ये अब्दुल हमीद का घर है, अब्दुल हमीद का वही घर जिस जहाँ पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी। और अब्दुल हमीद के घर के साथ साथ इधर कुल 20 से अधिक मकानों पर जो है ये नोटिस चस्पा हुए हैं। आप बगल का भी मकान देखिए, इस बगल के मकान में भी जो नोटिस है वो चस्पा है और अब्दुल हमीद के मकान पर जो नोटिस है अगर मैं उसको पढ़कर आपको बताऊं तो उसमें लिखा है कि अब्दुल हमीद सन ऑफ अब्दुल मजीद, और उसमें विषय जो लिखा है कि लोक निर्माण विभाग के मार्ग कुंडासर मोहसिन नानपारा जो कि प्रमुख जिला मार्ग के किलोमीटर 38 में महाराजगंज के किनारे अवैध निर्माण के संबंध में ये नोटिस लिखा गया। और उसमें ये लिखा गया है कि आपको इस विषय में सूचित करना है कि जो कुंडासर मोहसिन नानपारा मार्ग है ये प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी का मार्ग है और विभाग की ये जो मानक है उसके अनुसार प्रमुख जिला मार्ग पर जो रूरल एरिया में मार्ग के मध्य बिंदु से 60 फुट की दूरी के अंदर बिना विभागीय अनुमति के कोई भी निर्माण कराया जाना अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। और इसलिए कहा गया है कि उनको नोटिस दिया जा रहा है और नोटिस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि यदि उन्होंने यह निर्माण जिला अधिकारी या यहाँ बहराइच का जिलाधिकारी या फिर जो पूर्व विभागीय अनुमति है अगर उससे नहीं लिया, यानी कि अगर डीएम की अनुमति से या विभागीय अनुमति से इसका निर्माण नहीं कराया है, तो अगर निर्माण कराया है तो उसकी जो मूल प्रति है वो तत्काल प्रभाव से लोक निर्माण विभाग को उसको उपलब्ध कराएं।